मॉर्निंग बच्चों, आनंद कक्षा में सबका स्वागत है। देखिए, आज के दिन हम कुछ और विलोम शब्द देखेंगे, जैसे कि विरुद्धार्थक शब्द। तो आप जो ग्रामर लिख रहे हैं ना, उसी नोटबुक में आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज के अभ्यास का अभ्यास यह होगा कि विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब क्या होता है पता है बच्चों? जो शब्द विरुद्ध कहलाता है, विरुद्ध कहलाता है, मान अपमान, आना यानी मान अपमान और सहयोग वियोग, सुबह और शाम, रात और दिन। जैसे कि आपको शब्द सुनते ही ऐसा लगता है बहुत ही अपोज। देखिए, काला रंग उसमें सफेद मिलाया जाए तो वह काला ही बन के रह जाता है, उसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ विरुद्धार्थक पद भी ऐसे ही आते हैं। तो आज हम विरुद्धार्थक शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे। देखिए कुछ शब्द हैं, जैसे जैसे दिखाया जाएगा आप वैसे ही लिखते जाइए। एक मान एत्वन आयवेय सरल नायत्वन स्मृति स्मृति दैत्वन अब इसके विरुद्धार्थ पद देखेंगे। देखिए मान अपमान, मान अपमान, सही होगा भी होगा, सर्दी गर्मी, नेक्स्ट अर्थ अनर्थ, अनर्थ अर्थ अनर्थ, सत्य असत्य, साकार निराकार, निराकार, आय व्यय, सरल कठिन, सरल कठिन, कठिन, स्मृति निंदा,
नेक्स्ट उदाहरण उदाहरण कृपणम्। उन्नति उन्नति बारह शुभ गुरु गुरु उत्तीर्ण पंद्रह सज्जन सोलह प्रिय उन्नीस खत्ता बीस पूर्ण आप देखिए विलोम शब्द में क्या आते हैं उन्नति अवनति शुभ अशुभ अशुभ गुरु लघु उन्नति अवनति उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण सज्जन दुर्जन धर्म अधर्म बहादुर प्रिय अप्रिय खट्टा मीठा नेक्स्ट पूर्ण अपूर्ण जब ग्रामर जो लिखाया जा रहा है ना उसी नोटबुक में लिखिए कैसे देखिए कुछ ऐसे शब्द और है नेक्स्ट
बादशाह बादशाह उर्दू लफ्ज है बादशाह। नेक्स्ट मालिक मालिक आशा आशा धनी धनी हाथ विषय नूतन 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 उपकार देखिए इन शब्दों के दो शब्द क्या आते हैं अमीर गरीब बादशाह गुलाम गुलाम बादशाह गुलाम मालिक नौकर नौकर आशा निराशा आशा निराशा धनी निर्धन धनी धनी निर्धन हार जीत विषय अमृत नूतन पुरातन 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 उपकार उपकार अपकार बल बल निर्बल बल निर्बल ठीक है। उदाहरण 23 लौंग शब्द है अच्छे से लिखिए
देखिए 31 भाव भाव अभाव भाव अभाव अभाव नेक्स्ट 33 भाव अभाव राजा रंग फोर्टी
1. Udar bahar. Syahar. Pavitra o pavitra? Pavitra o pavitra? Bhala bora. Jalana. Marana. Marana. Jalana Marana. Aza. Lava. Hani. Lava, hani. Sharam. Nachke. Besharam. Dost. Dost. Dushman.
दुश्मन। दुश्मन साधु। साधु शैतान। शैतान रोना। रोना हंसना। रोना हंसना तोड़ना। तोड़ना जोड़ना। उपाय इतने काफ़ी हैं आपके लिए, तो विलोम शब्द अच्छे से लिखिए, ग्रामर बुक में लिखना है आपको, तो अच्छे से लिखकर व्हाट्सएप नंबर पर डाल दीजिए और ऐप में भी डाल दीजिए, ताकि पता तो चले कि आप जो हम लिखा रहे हैं वो लिख भी रहे हो या नहीं। बहुत कम बच्चे होमवर्क छोड़ रहे हैं, फायदा नहीं है ऐसा हुआ तो, मेहनत बेकार जा रही है। आज कल स्कूल स्टार्ट होगी, जरूर होगी, तो यहाँ सब आपका होमवर्क चेक किया जाएगा, नेगलेक्ट मत कीजिए। और आपको अगले हफ्ते मैंने कहा था जब भी आपको ईमेल मिले, अब सोमवार या मंगल के दिन अपने होमवर्क बुक जो भी होमवर्क किया होता है ना, तो हाँ सभी नोटबुक्स लेकर स्कूल आना है और आपको सब होमवर्क चेक करके ले जाना है, ठीक है। वो क्वेश्चन आंसर हो या रिवीजन हो या ग्रामर बुक हो या असाइनमेंट हो, जो भी वर्क दिया है ना सभी लेकर आपको चक्कर कर ले जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ विलोम शब्द भी अच्छे से लिखिए, अगली कक्षा में फिर आपको कुछ नया सीखने को हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाइए। देखिए ग्रामर में जितना किसी को कमी है बस समझने की बात है, तो आप जितना समझने की कोशिश करेंगे, तो क्योंकि यहाँ जब आपको एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आपको लिखना या पढ़ना या कहीं भी क्वेश्चन आंसर पूछा जाए किसी भी कॉम्पिटिशन में, तो ये आंसर बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें आने वाली ज़िंदगी के लिए हमेशा एग्ज़ाम में समझ कर तैयारी करनी पड़ती है, तैयार रहना पड़ता है। किसी भी लैंग्वेज में हो या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो आप प्रिपेयर होकर अपनी बुद्धिमत्ता जितना ज़्यादा करेंगे ना, अपनी सोच आपकी और पढ़ाई में जितना आप अच्छे से हो प्रिपेयर होकर रहेंगे ना, तो आपकी आने वाली कक्षा में कोई बाधा नहीं होगी, मुश्किल नहीं होगी। तो यहाँ तक एक तरफ ही लिख कर अच्छे से लिख कर रखोगे ना तो बहुत अच्छा होगा, और चक्कर जरूर ले जाइए, ठीक है। तो अगली कक्षा में फिर कुछ नया